अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार आप वही है ना जो टिकटॉक बनाते हैं? जी जी जी। कच्चा जिदी ते बना लिया करो बेटा। तुम्हें इंग्लिश आती है? हाँ सर आती है। तो इसका इंग्लिश में करके बताओ, मैं तुझे मार दूंगा। इंग्लिश कई बार में पहले हाथ तो लगा के दिखा। रात भर खाक डालो, सुबह उठकर नहलाओ मुझको, मैं एक स्टूडेंट हूँ, सब मिलकर मैट्रिक कराओ मुझको। आदिल बोलो। फरा ये शादी के जोड़े कहाँ बनते हैं? मैं इतना नहीं मालूम, ये शादी के जोड़े आसमानों पे बनते हैं। क्यों क्या हुआ? मैं तो दर्जी को दे आई हूँ। लड़की पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। शेख साहब क्या बात है, बड़े परेशान नजर आ रहे हैं यार। यार रात को ना मुझे एक मैसेज आया और मैसेज में लिखा था ये मैसेज 10 लोगों को फॉरवर्ड करो वरना बड़ा भारी नुकसान होगा। फिर मैंने इग्नोर कर दिया। तो फिर क्या हुआ? वही काम हुआ कि बीवी सुबह मैके से घर वापस आ गई। राजू मैं तुमसे जो भी सवाल पूछूंगा ना उसका जवाब तुमने फटाफट देना है। ठीक है ठीक है ठीक है। पाकिस्तान का वजीर आजम कौन है? फटाफट। आंटी। हाँ बच्चा। मेरी मम्मी ने कहा है एक कटोरी चीनी लेके आ। और क्या कहा है आपकी मम्मा ने? बता दू? हाँ बता दू। मेरी मम्मी ने कहा है हाँ? कि वो कुतिया चीनी ना दे तो सामने वाली चुड़ैल से लेके। आमिर भाई जी। हाँ जी। हाँ क्या चाहिए बेटा? आमिर भाई आप मुझे एक टीवी दे रहे। तो आप इस वक्त मुझे टीवी पे देख रहे हैं? हाँ जी मैं आपको देख रहा हूँ। वही ले ले। रोटी खोल दे शफीक अहमद। और रुको सलामी तो आड़े प्यों ने देनी है। इरफान 8 बज गए हैं यार, छाती पे जाना है। ओ नहीं शेख साहब 8 बजे का टाइम दिया हुआ है, 10 बजे जाएंगे हम लोग, फिर क्या हुआ है? ओ नहीं यार वक्त की अहमियत को समझो। ओ शेख साहब आजकल वक्त की पाबंदी कौन करता है, किस अहमियत की बात कर रहे हैं? वक्त की अहमियत क्या है मैं तुम्हें बताऊं? एक साल की अहमियत जाननी है तो उससे पूछो जो इम्तिहान में फेल हो गया हो, और एक महीने की अहमियत पूछनी है तो उससे पूछो जिसे तनख्वाह ना मिली हो, एक हफ्ते की अहमियत पूछनी है तो उससे पूछो तो एक हफ्ते से हॉस्पिटल में एडमिट है, और एक दिन की अहमियत पूछनी है तो उससे पूछो जिसने रोजा रखा हो, और एक घंटे की अहमियत पूछनी है तो उससे पूछो जो किसी का इंतजार कर रहा हो, एक मिनट की अहमियत पूछनी है तो उससे पूछो जिसकी ट्रेन छूट गई हो, और एक सेकंड की अहमियत पूछनी है तो उससे पूछो जो किसी हादसे से बाल बाल बच गया हो। शेख साहब माजरत मैं अपनी सोच पे बहुत शर्मिंदा हूँ। फान सबसे बढ़कर बात ये है कि जिन कौमों ने वक्त की कदर नहीं की वो हमेशा कौमें नाकाम हुई है। अमीरों का लेटने का स्टाइल। और हमारा मिल गई पुत वहीद, घर दे कागज कित्थे लेके चलना? अम्मी मेरा ना वो आईफोन वाले ना सौदा बन गया। वे मरे इधर बड़ा कागज। चोरी हो गई है। क्या कह रहे हो? घड़ी चोरी हो गई है। क्या कीमत थी उस घड़ी की? बड़ी कीमती सी। क्या कीमत थी उसकी? 3000 दिनार। मैनू लम्या पाक लित्र मारो। ओ क्यों? मैं 90 रुपये दी बेच आया। ओए सुन भौक, बोलने की तमीज नहीं है? हाँ तो सुन कौन सा तमीज वाली बात है। अच्छा सॉरी सुनिए जी। भौकिए जी। तो पीनी चा? मैं चा नहीं पींदा। जा फिर ते अंबला नू खड़ा। ओए आजकल ओ भी बदमाशी दे स्टेटस लगांदे ने काका, जेड़े निके होंदे आ टाइम दसदे सन छोटी सुई नौ ते वड्डी सुई दो ते। हमसा इतनी हाइट पे आ गया तुझे डर नहीं लग रहा? नहीं। सुमान भाई जी आपने इससे ऊपर जाना है? हाँ चले चाल काट मारो। भाई ये इतने सारे बादल इतने व्हाइट क्यों है यार? शायद कोल्डन पर लगाते होंगे। Thank you.
भाई साहब आपने मेरा यहाँ 10 का नोट तो नहीं देखा? इधर से आया तो 10वीं मंजिल से ऑर्डर 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 मुजरिम को पेश किया जाए। तमाम गवाहों और सबूतों की बना पर मुजरिम को फांसी दी जाती है। बताओ तुम्हारी आखिरी आवाज क्या है? जज साहब मुझे उल्टा लटकाया गया।